अब दुकान वाले को क्या मालूम कि हमारी दुकानिया में भगवाने घूम रहे हैं भिकमंगा बन के। जज साहब जो वृंदावन वाले थे वो क्यों विरक्त हो गए? पत्नी ने कहा कि अरे भाई चलो एक एक केवट की गवाही देने के लिए भगवान गवाह बन के चले गए थे कोर्ट में। केवट ने सेठ का रुपया लौटा दिया था, रुपया लेने के बाद भी सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया कि इस केवट ने मेरा पैसा नहीं लौटाया। जज साहब ने केवट से पूछा कि तुमने रुपया लौटाया तो वहां पर कौन था? केवट बोला तीन लोग थे। कौन? सेठ जी, मैं और मेरे राम जी थे, मेरे रघुनाथ जी थे वहां पर। जज समझा रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी होगा। अगली तारीख पर रघुनाथ जी के आने का गवाही देने के लिए सम्मन भिजवा दिया जज साहब ने। अब कोर्ट का संतरी पहुंचा गांव में, केवट जी गांव में, रघुनाथ जी कहां है, रघुनाथ जी कहां है, रघुनाथ जी हो तब न मिले। एक आदमी ने कहा देखो रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर एक है जहां केवट रहता है। मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे थे। संतरी ने पूछा कि रघुनाथ यहीं रहता है क्या? पुजारी जी बोले हाँ भीतर रहते हैं। ये पकड़ो उसके नाम का सम्मन है, इतने तारीख को गवाही देने पहुंचेगा कोर्ट में। अब पंडित जी सोचे जब भगवान गवाह बनने के लिए तैयारे हो गए हैं तो हम कौन होते हैं बीच में रोकने वाले। पंडित जी सम्मन ले लिए और ले जाकर ठाकुर जी के चरणों में रखकर बोले प्रभु आज तक आपके लिए मिठाई आया, आज तक आपके लिए आभूषण आए, आज तक आपके लिए वस्त्र आया, पहली बार प्रभु आपके नाम का कोट से सम्मन आया है। और बहुत विश्वास करके उस केवट ने जज के सामने आपका नाम लिया होगा प्रभु, उसका विश्वास टूटने मत दीजिएगा। जिस दिन तारीख थी ना उस दिन पंडित जी सबसे सुंदर कपड़ा ठाकुर जी को पहनाए। क्यों? आज ठाकुर जी कोर्ट में पहुंचेंगे तो भगवान सुंदर लगने चाहिए। भगवान फटा पुराना कपड़ा पहने, लाठी पकड़े, बूढ़ा स्वरूप बना के हाथ ऊपर करके हम ही रघुनाथ है पहुंच गए और ऐसी गवाही दिए कि पहली हियरिंग में ही केस समाप्त। सेठ को सजा हो गई, केस तो समाप्त हो गया, लेकिन जज साहब डिस्टर्ब हो गए। सोचने लगे भाई आज तक तो ऐसा कोई गवाह आया ही नहीं जो एक ही बार में केस को ही समाप्त कर दे। कोर्ट से निकल के अपने चेंबर में गए और केवट को बुलाकर बिठाए। बोले ये बताओ कहां रहते हो तुम? रघुनाथ जी के मंदिर में मैं रहता हूं। तो जज साहब बोले कि जो रघुनाथ आए थे, बोले जी जी, तो उनको लगा कि वो मंदिर बनवाए होंगे। तो जज साहब बोले लेकिन तो गरीब लग रहे थे और लग नहीं रहा था कि वो मंदिर बनवाए होंगे। केवट ने कहा प्रभु वो मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी नहीं थे, मंदिर के भीतर बैठने वाले रघुनाथ जी आए थे। जज की मति हरा गई हो, कांपने लगा। संतरी को बुलाकर बोला सही सही बताना तुमने किसको सम्मन दिया था। बोला सर माफ करिएगा सर, रघुनाथ नाम का आदमी नहीं मिला, रघुनाथ जी का मंदिर था, मंदिर में पुजारी जी को देके चला आया था मैं, तो जो आए थे वही पुजारी, नहीं पुजारी जी ये नहीं थे, दूसरे थे। जज को पूरी बात समझ में आ गई, घर गया और दरवाजा बंद करके जज साहब रोने लगे। पत्नी ने आकर पूछा क्यों रो रहे हो, पूरी बात बताए। पत्नी ने कहा इसमें रोने की कौन सी बात है, अरे मान लो धोखे में ही दर्शन हुआ, तुम तो भाग्यशाली हो तुमको दर्शन तो मिला, नाचना चाहिए। बोले इसलिए नहीं रो रहा हूं कि राम जी चले गए, इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं अरे कुर्सी पे बना जज मैं बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जिनकी अदालत में पूरी दुनिया जाकर खड़ी होती है, आज उनको मैंने अपनी अदालत में खड़ा कराया। ऐसा वैराग्य छड़ा हो जज साहब को, उसी समय रिजाइन दिए।
सब घर परिवार छोड़कर चले गए वृंदावन। और ऐसा कहते हैं जब तक थे कभी बैठे नहीं वृंदावन, खड़े रहे। लोग कहते थे बैठते क्यों नहीं आप, बोले मेरी यही सजा है, मैंने भगवान को अपनी अदालत में खड़ा करा के रखा था, अब मैं भगवान के धाम में जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा, अब मैं बैठूंगा नहीं। कभी भगवान किसी रूप में आ सकते हैं माई बाप, आपकी आस्था वैसी होनी चाहिए।